पार्ट वन में आप लोगों ने बहुत कुछ देखा। अब पार्ट टू में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है पूरा जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पे है। और चलिए पार्ट टू को शुरू करते हैं। पार्ट टू में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और यहाँ पर्यावरण का बहुत खूब नज़ारा मिलेगा आपको देखने के लिए। लंबे लंबे पेड़ हैं, एकदम क्या ही बताए। और ये छोटा सा गाड़ी भी लगा रहता है यहाँ पे, आप इसको कुछ पैसे देके और पूरा टूर कर सकते हो, चिड़ियाघर का पूरा घूम सकते हो। तो चलते हैं पहले जानवर की तरफ। ये रहा पहला जानवर, गेट के एंट्री करते ही आपको दाहिनी तरफ मिलेगा लकड़बग्घा। मिलिए लकड़बग्घे से, और वो वहां सब लोग खेल रहे हैं। हेलो हेलो गाइस, दोस्तों तो उसको बुलाने का कोशिश करते हैं। ये तो बिल्कुल कुत्ता की तरह है। देखिए पूरा कुत्ता लग रहा है, लेकिन है लकड़बग्घा। फिर चलिए दूसरे जानवर की तरफ चलते हैं। अभी चलते हैं आप लोग को लेकर सांप के तरफ, सांपों का शहर में। गुलशन आ चलो, ले चले तुम्हें सांपों का शहर में। चलो चलिए गाइस। दोस्तों मिलिए अब अजगर से। ओ भाई साहब, आएगा आएगा, वीडियो में आएगा। इसका जीभ देखिए। मैं पहली बार इतना करीब से अजगर को देख रहा हूँ, सच बता रहा हूँ यार। अजगर तो पहली ही बार देखिए कितना मोटा है। और ये रहा काला अजगर जो कि अभी सो रखा है। उठ जा भाई। हेलो हेलो, और एक अजगर वहाँ कोने में सोया हुआ है। साला अजगर इतना आलसी क्यों होता है, सब सोया रहता है। मिलिए खतरनाक सांप से जो कि कोबरा है, सब लोग इससे डरते हैं। और ये रहा वो। हेलो सर जी, इधर आइए। इन लोगों को कोई काम तो है नहीं, पूरे दिन अंदर में पड़े रहते हैं। अरे भाई इधर आओ यार। अब मिलिए वाइपर रसल से जो कि ये रहा अंदर में छुप के बैठा है, दोनों सांप। मिलिए इंडियन रॉक अजगर से जो कि संख्या में बहुत ज्यादा है, और इसका खाना भी यहाँ रखा हुआ है। मुर्गी का बच्चा, नहीं मुर्गी नहीं है, चूहा है, चूहा, खरगोश, खरगोश, चूहा कुछ भी है, पता नहीं क्या। देखिए कितना लंबा लंबा है सांप, और वहाँ देखिए कितना ज्यादा है। अब अगले सांप की तरफ चलते हैं। ये बहुत खतरनाक है भाई, देखो कैसे। अरे हिल रहा है, हिल रहा है। ओ भाई साहब मूवमेंट में। अब मिलिए हमारे यहाँ का खतरनाक सांप जो कि गांव घर में पाया जाता है, धामिल। और इसके बारे में कुछ बोला जाता है वैसे, जो इसके पूछ में ही विष होता है। ये पूछ अगर सटा दे तो आपको विष लग सकता है। और इसका स्टाइल देखिए रहने का, किस तरह से रह रहा है। ऐसा लग रहा है जो पूरा निर्जीव वस्तु यहाँ पे पड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं, लगता है सोया है। كل ما ايد بتفتح باب تفتح سكه لعمر جديد.
فرحة ولما وأهل صحاب وما فيش حل بقى اسمه بعيد अभी आपको पक्षियों के साथ दुनिया में ले चलते हैं। पक्षी बोल रहे हैं शांति बना के रखने के लिए, तो शांति के साथ ही आप लोगों को इसका दर्शन करवाएंगे। और पहला पक्षी आता है यहाँ पे कोकाटेल, कॉकटेल। ये देखिए जेब्रा। और ये बजरीगर, ये लोग बहुत चूचा चूचा कर रहे हैं। हाँ भाई, ये भी वही है। और इससे मिलिए, इसे गांव में पोपट बोलते हैं। एक पोपट की दो दो मैना। हेलो पोपट। यहाँ रंगीन पोपट बहुत सारा है, लेकिन बहुत दूर बैठा हुआ है। देखिए काला हंस को। और ये देखिए कछुआ को। ये नील गाय देखिए, जो कि हमारे खेतों में भी पाया जाता है। ये आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ करीब पास आओ, मैं तुम्हें देख लूं करीब से। अरे भाई भागते किधर हो भाई, भाई अरे भाई। अब देखिए हिरन को कितना ज्यादा है। सिंग बड़े बड़े हैं सब के। और ये मिलिए दरियारी घोड़ा से, हिप्पोपोटामस इंग्लिश में इसको बोलते हैं। हम लोग बचपन में पढ़ता करते थे इसको। कितना विशाल इसका शरीर होता है गुलशन। तुम्हारे ऊपर ये पड़ जाएगा ना, तुम्हारा चोखा बन जाएगा। और पानी भी है इसके लिए। लग रहा है इसका शरीर जो है लोहा का बनाया गया है। देखो ऊपर से जो सेल है, ओ कैसे चलता है। ये देखिए जंगली सियार को, कितना खतरनाक है। इसका पिंजरा भी अकेले में बनाया। ओ भाई जी इधर आइए। तो हम लोग बहुत ज्यादा जगह घूम चुके हैं और अभी कुछ समय बाकी है, कुछ जगह बाकी है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा। वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा। तो इधर क्या है देखते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ पार्क है बना हुआ है। और ये रास्ता गांव का फील कराता है। गांव में सेम ऐसे ही रास्ते होते हैं, है ना। अच्छा लगता है यार, यहाँ पूरा दिन बिता दूं फिर भी मन नहीं भरेगा। नाइस। तो हम लोग चिड़ियाघर के पूरा पश्चिमी छोर पे आ चुके हैं और इसके आगे कुछ नहीं है। इधर पे कुछ है जो आप लोगों को दिखाते हैं। है कुछ नहीं, बस गुफा की तरह घर बना हुआ है और शौचालय भी है।
हम लोगों का प्रेशर वगैरह कुछ बने तो घूमते घूमते कुछ भी हो सकता है। तो अंदर में पूरा मतलब इंतजाम कर रखा है सरकार ने। वाह स्टैच्यू भी अच्छा है, लुक एट दिस। और हाथी को देखिए, अरे घर में जा रहा है ये तो। घर में चला अगर रास्ता भटकते हैं आप लोग तो यहाँ पे मैप भी बनाया गया है पूरा पटना चिड़ियाघर का, देख के समझ के आप लोग आराम से घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जगह जगह पे ये मैप आपको मिलते रहेंगे। और हम लोग अभी यहाँ है, लिखा हुआ है यू आर हेयर। और बगल में पटना गोल्फ क्लब है जो आप लोग दिखाते हैं। आप लोग गेट नंबर 2 से अगर एंटर करते हैं तो उसके आगे आपको झील मिलेगा, छोटा सा तालाब, और तालाब के आगे ही ये पटना गोल्फ क्लब है जो कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा उधर उस पार लोग खेल रहे हैं, मैं आपको दिखाता। और ये है पटना गोल्फ क्लब। लोग वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये ब्रिज देखिए, ओ भाई ये तो हिल रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिल रहा है, वाकई मस्त है। और ये हम लोग आ चुके हैं दक्षिणी तरफ, बिल्कुल फुलवारी शरीफ एयरपोर्ट के बगल में। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चिड़ियाघर के बहुत ही रेयर जगह पे, जहाँ पे सिंगल लोग का आना पूरा मन है। आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कैमरा बंद कर लेते हैं। और ये रास्ता तो पूरा बिल्कुल जंगल की तरह है, मैप में लिखा हुआ भी था पूरा जंगल। लग रहा है गांव के किसी सुनसान जंगल पे घूम रहे हैं। तो कैसा लग रहा है गुलशन, तुमको बताओ? बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है हमको, लग रहा है ना, जो बर्थडे में कुछ स्पेशल हो रहा है हमारे लिए, बर्थडे में बहुत स्पेशल हो रहा है, एंजॉय करो। तुम बताओ क्या बताए, सब कुछ अच्छा है। तो इन लोगों को चिड़ियाघर बहुत ही मजा आ रहा है घूमने में। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो देखने में। मेरे तरफ से जितना हो रहा है मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, देखते रहिए और इंजॉय करते रहिए। मेरा सेकेंड टाइम है और ये दोनों का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है चिड़ियाघर का। तो फिर देखिए, और चिड़ियाघर का ये रास्ता देखिए कितना ही अंदर, मतलब पतला रास्ता है और जाना पड़ता है। हम लोग पूरा बॉर्डर पे हैं, इधर पास में ही ये रहा बाउंड्री, नहीं दिखेगा, और बाउंड्री के उस तरफ एयरपोर्ट है। फुलवारी शरीफ की तरफ हम लोग आ चुके हैं, शायद निकलेगा गेट नंबर 3 के पास। तो चलते हैं और देखते हैं कहाँ निकलते हैं। अभी हम लोग चलते हैं मेन गेट के तरफ वापस फिर से, और पीछे का लोकेशन देखिए मस्त है। और हमारा एक और भाई, जो कि दोस्त भाई कुछ भी बोलो, आ रहा है, वो भी गेट के पास है, तो फिर उसके साथ होगा तो घूमेंगे। तो अभी वहीं पे जा रहे हैं। और ये रहा निशाचर गृह, इसका मतलब ये हुआ कि
जो पक्षी रात में चला करते हैं, जो रात में अपना काम करते हैं, उनका ये कंपार्टमेंट है। चलते हैं अंदर देखते हैं। सफर करते हैं उन लोगों का ये कलेक्शन है। और अभी ये देखिए गुफा, यहाँ कौन है, पॉर्क्यूपाइन। हाँ, वहाँ कोने में साहिल है जिसके शरीर पे कांटा होता है, लेकिन अंधेरा है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा। ऐसे याद होते वाले में घूम के हम लोग फाइनली बाहर निकल गए। ये देखिए पीछे का चमगादड़ का लुक। तो अभी चलते हैं, जो मेरा भाई था वो आ चुका है, तो उसके पास चलते हैं, फिर आपको मिलाते हैं, उससे भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो दोस्तों, मैं जिसके बारे में बता रहा था, ये रहा कुणाल, आ चुका है, और ये रहा, अरे और ये लोग लायन अभी देखने में बिजी है, वो रहा शेर वहाँ पे आराम से बैठा हुआ एकदम राजा की तरह, जैसा कि वो है, जो कि वो है रियली में। तो दोस्तों, जिराफ को देखिए, अभी हम लोग वाटर गार्डन में चलेंगे और सीन कुछ ऐसा है यहाँ का। लोकेशन तो यहाँ का बहुत खूब है, आप लोग देखिए और मजे लीजिए। अभी चलते हैं कुणाल लोग के तरफ, वहाँ पे मजे आएंगे, और फोटो शूट में लगे हुए हैं पूरे से। हमारा स्क्वाड और ये पार्क सच में बहुत मस्त है। अभी हम लोग यहाँ पे फोटो शूट करेंगे, यहाँ पे बैठ के सब लोग लगेंगे फोटो शूट। फाइनली गाइज, हम लोग पूरा चिड़ियाघर घूम लिए और अभी बहुत थक चुके हैं, तो चलते हैं घर, मतलब रूम पे जहाँ रह रहे हैं, और वहाँ जाके फिर मिलते हैं आपसे। बहुत ज्यादा थक चुके हैं हम लोग, ये भैया लोग मिले, बहुत मजे किए अंदर में हम लोग घूम के। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइए। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है, वो इस राइट साइड वाले वीडियो पे क्लिक करके हमारे पार्ट वन को देखिए और बताइए किस तरह का वीडियो बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।